सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज की वीडियो में हम ऐसे एक समुद्र के बारे में देखने जा रहे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया था। और नदी का नाम क्या है और समुद्र के नाम क्या है, वो है गलीली, सी ऑफ गलीली। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था, आश्चर्य काम किया था। तो वो चमत्कार क्या है, वो आश्चर्य काम क्या है, अगर आप देखना चाहेंगे, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपको नहीं पता, आप जानना चाहते हैं बाइबल में इस समुद्र में प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा चमत्कार किया था, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं लुका की किताब उसका 8 अध्याय। जी हाँ, लुका की किताब उसका 8:22 से लेकर 25 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उधर आप पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस समुद्र में कौन सा चमत्कार किया था। लुका 8:22 से लेकर 25 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, आप सिर्फ सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तो 22 में ऐसे लिखा गया है, लुका की किताब 8:22। फिर एक दिन वह और उनके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। और 23, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। यहाँ कौन सो गया, प्रभु यीशु मसीह ने सो गए थे। और ऐसा लिखा गया है, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। और 24, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब 25 का पद, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसके मानते हैं। हालेलुया। जी हाँ, हमने अब जो पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में, ये जो चमत्कार वो इसी समुद्र में हुआ था, गलीली समुद्र। और आप जो देख रहे हैं, ये गलीली समुद्र के किनारे एक घर है जहाँ परमेश्वर का आराधना होता है, परमेश्वर का प्रशंसा होता है, इधर फेलोशिप होता है। और जो लोग आते हैं देखने के लिए, वो इधर आकर वो रेस्ट लेते हैं, इधर आके बैठते हैं, फिर जाते हैं। बहुत सारे लोग इधर आते हैं, आकर ये सब देखने के लिए वो जाते हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे तस्वीर है, प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर है, माता मरियम का भी तस्वीर है। इधर ये सब तस्वीर बनाया गया है, कुछ पंछी, मेरा मतलब है कुछ चिड़ियाँ, और उनका भी कुछ ड्राइंग इधर
आप पा सकते हैं अगर आपने कभी गाए होंगे तो आप जरूर देखे होंगे। तो ये देखिए ड्राइंग है, ये कितना साल का पुराना है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सब इधर है। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया, उन्होंने आंधी को आज्ञा दी और वो थम गए। प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगाई करते थे, ये तो ठीक है, मुर्दे लोगों को जिंदा करते थे, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आंधी तूफान, ये जो समुद्र की जो प्रलय है उसको शांत करना एक परमेश्वर की बस की बात है, ये इंसान की बस की बात नहीं है। ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही, सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर ही इस तरह का चमत्कार, इस तरह का आश्चर्य काम कर सकता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देखिए ये है उसी गलीली समुद्र के किनारे जो घर है, जो पेड़ है, ये सब कुछ है। तो ये सब देखने के बाद आपका मन में क्या आ रहा है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये था गलीली समुद्र के बारे में जिधर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे। तो ये जो स्थान है एक पवित्र स्थान है, ये प्रभु यीशु मसीह इधर से उधर जाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह किधर जाना होता है तो होता था तो वो क्या करते थे, अगर समुद्र की पार उनको जाना पड़ता था तो वो इस तरह का नाव से पार होते थे, और नाव चलाने में उनका जो शिष्य लोग थे, चेले थे, उन लोगों ने उसमें माहिर थे, क्योंकि उन लोग मछली पकड़ने वाले थे, लोग थे, मछली पकड़कर उसको बेचकर वो अपना परिवार को चलाते थे, पालते थे अपने परिवार को, ये उनका पेशा था। इसलिए उनका खुद का नाव था, खुद का जाल था, उन लोगों का अच्छी तरह से पता था कैसे मछली को पकड़ना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, बुलाकर उन्होंने क्या किया, समुद्र की उस तरफ जाने के लिए फैसला किया। ठीक समुद्र की बीचों बीच एक बहुत बड़ी आंधी आई, ऐसे आंधी था तब तक प्रभु यीशु मसीह ने सो गए थे, उनका नाव डूबने लगा था पानी से, लेकिन उनका अंदर विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उनके साथ है, उनका विश्वास ही नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वर्ष 25 मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जी हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल करते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, विश्वास कहाँ था? तो हमारा विश्वास बहुत बड़ी बात है, हमारे अंदर, हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है सबको जय मसीह के। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह के। आज की वीडियो में हमने देखा गलीली का समुद्र, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और दूसरों को भी दिखाइए इस तरह का वीडियो, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारा विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि बाइबल में जो जो लिखा गया है अगर हम खुद देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। सबको जय मसीह की।